सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अभिषेक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दुनिया में नए नए विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन को अपडेट किया जा रहा है। इन स्क्रीन में कई नए फीचर्स को शामिल किए जाते हैं, जिससे हम अपने टेलीविजन या मोबाइल फोन या फिर टैबलेट या कंप्यूटर में एक बेहतर विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन इन स्क्रीन में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्क्रीन हमारे लिए बेहतर है या कौन से स्क्रीन का क्या काम है और कौन सा स्क्रीन एक बेहतर डिस्प्ले दे सकता है। तो आइए इन सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। आजकल हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट पर डिपेंड हो गए हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन को भी लगातार अपडेट किया जा रहा है, जिससे हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, टेलीविजन को एक बेहतर डिस्प्ले के रूप में देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ने हमारे डेली लाइफ को बहुत ही बेहतर बना दिया है। इन सभी में एक बात सामने आती है कि क्या रियलिटी में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन क्या होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन, जिसे आमतौर पर स्क्रीन कहा जाता है, इसकी मदद से हम बिना किसी परमानेंट रिकॉर्ड के एक डिस्प्ले के ऊपर इमेजेस, पिक्चर्स, टेक्स्ट, वीडियो को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज के रूप में यह टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स और डिजिटल साइनेज को इंक्लूड करता है। क्योंकि हम इन स्क्रीन पर इमेजेस, पिक्चर्स, टेक्स्ट या वीडियो को प्रोजेक्टेड रूप में देखते हैं, इसलिए इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात आती है उन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की जिन्हें हम अपने टेलीविजन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट में आए दिन यूज करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं उन स्क्रीन के बारे में। दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन बीम होता है, जो आपकी स्क्रीन पर या तो इंटरलेस्ड या नॉन इंटरलेस्ड होता है, जो अंदर की ग्लास ट्यूब पर फॉस्फोर डॉट्स को हीट करता है। कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रो बीम द्वारा फॉस्फोरसेंट सरफेस पर स्ट्राइक करने पर इमेजेस, पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है। ज्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्ले सीआरटी को यूज करते हैं। एक कंप्यूटर डिस्प्ले में सीआरटी एक टेलीविजन रिसीवर में पिक्चर ट्यूब के समान है। कैथोड रे ट्यूब में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। सीआरटी में तीन इलेक्ट्रॉन गन्स हैं, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं। इनमें से सभी गन्स मॉनिटर स्क्रीन के लाइंस पर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन फॉस्फोर से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेजी से ग्लो करता है, और जैसे ही नई लाइन शुरू होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन गन्स लेफ्ट टू राइट मूव करने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन गन्स कभी कभी इस प्रोसेस को हजारों बार रिपीट करती है, और ये तब तक रिपीट करती रहती है जब तक कि लाइंस पूरी तरह से स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं हो जाती। यह इमेज बनाने के लिए स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम को मॉड्यूलेट, एक्सिल्यूट और डिफ्लेक्ट करता है। ये इमेज इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स, पिक्चर्स या रेडार टारगेट्स हो सकते हैं। ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो यह समझा जा सकता है कि किसी भी स्क्रीन पर इमेजेस, पिक्चर्स, टेक्स्ट या फिर वीडियोस को डिस्प्ले कराने में कैथोड रे ट्यूब का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक टेलीविजन मॉनिटर या डिस्प्ले टूल है, जो ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी डिजाइन के बजाय पतले पैनल डिजाइन का उपयोग करता है। ये स्क्रीन बहुत ही हल्का और पतला होता है, और ट्रेडिशनल टेलीविजन और मॉनिटर की तुलना में बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल होता है। इसमें पुराने मॉडल्स की तुलना में ज्यादा रिजोल्यूशन भी होते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन या टेलीविजन की एक बहुत ही पतली डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इसे सबसे पहले 1964 में इन्वेंट किया गया था। दूसरी तरह से इसे समझने के लिए यह कह सकते हैं कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें पतले पैनल का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले एलसीडी और एलईडी स्क्रीन को यूज करता है, इसी वजह से यह बहुत ही हल्की और पतली होती है। हल्की और पतली होने की वजह से यह स्क्रीन बहुत ही पोर्टेबल होती है, और इसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। पहले की टीवी और मॉनिटर स्क्रीन में कैथोड रे ट्यूब को यूज किया जाता था, इस वजह से पहले ये पोर्टेबल नहीं होते थे। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और छोटा होने के कारण यह स्क्रीन को हल्का और पोर्टेबल बनाने में मदद करता है। इन स्क्रीन्स को पर्सनली यूज करने के अलावा इन्हें बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल या पीडीपी एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है,
जिसमें प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस वाले छोटे सेल का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रेस्पॉन्स करता है। इससे पहले प्लाज्मा डिस्प्ले को आमतौर पर 30 इंच से बड़े स्क्रीन वाले टीवी में यूज किए जाते थे, लेकिन अब एक दशक के बाद से उन्होंने लो कॉस्ट वाले एलसीडी और मोर एक्सपेंसिव हाई कॉन्ट्रास्ट ओएलईडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले से कम्पिटिशन करके लगभग सभी मार्केट शेयर को खो दिए हैं। इस वजह से सभी कंपनियों ने ईयर 2014 में अमेरिका के रिटेल मार्केट और चाइनीज मार्केट के लिए प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया, जिससे यह लगभग सभी देशों में मिलने बंद हो गए। दोस्तों, इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले या ईएलडी ऐसी स्क्रीन है जो इलेक्ट्रोमिनसेंट का उपयोग करती है। इलेक्ट्रोमिनसेंस ईएल एक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल फेनोमिना है जो दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोमिनसेंट मटेरियल की एक पतली फिल्म को सैंडविच करके बनाए गए फ्लैट पैनल डिस्प्ले की एक कैटेगरी होती है। इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले या ईएलडी डिस्प्ले इलेक्ट्रोमिनसेंस की फेनोमिना को यूज करता है। इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले आमतौर पर दूसरी डिस्प्ले टाइप्स के रूप में यूज नहीं किए जाते हैं। इनको इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमिनसेंट डिवाइसेस कई मायनों में कैपेसिटर के समान होता है। इसके बीच एकमात्र डिफरेंस फॉस्फोर लेयर का होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले में किया जाता है। इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले को अपारदर्शी इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स की मदद से बनाया जाता है जो एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं और फॉस्फोरस जैसी इलेक्ट्रोमिनसेंट मटेरियल की एक लेयर से ढके रहते हैं। मेन रूप से इलेक्ट्रोमिनसेंस उनके माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट पारित करके एक्साइटिंग एटम्स की मदद से काम करता है जिससे वे फोटोन को बाहर करते हैं और मटेरियल के अलग अलग होने से एक्साइटेड होने वाले लाइट के कलर चेंज हो जाते हैं। एक्चुअली ईएलडी को एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले फ्लैट अपारदर्शी इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स को यूज करके बनाया गया है जो इलेक्ट्रोमिनसेंट मटेरियल की एक लेयर की मदद से इसे कवर किया गया है। अल्टरनेटिव करंट का यूज आमतौर पर एक इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले के ऑपरेशन में किया जाता है। इलेक्ट्रोमिनसेंट डिस्प्ले या ईएलडी डिस्प्ले की मेन फीचर यह है कि यह स्क्रीन पर वाइड एंगल के साथ साथ क्लियर और शार्प इमेज को भी डिस्प्ले करता है। दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी एक प्रकार की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक करंट से एक्साइटेड होने पर खुलने या बंद होने वाले लिक्विड क्रिस्टल का यूज करती है। ये लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी टेक्नोलॉजी के बेस पर काम करते हैं। एलसीडी को डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए मेजर इनोवेशन माना जाता है और अक्सर माइक्रोवेव ओवन, लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टीवी जैसे मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे यूज किया जाता है। एलसीडी टेक्नोलॉजी को दूसरे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के लिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही हल्का और पतला होने के साथ साथ लेस पावर कंज्यूम करता है। लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इसेंशियल रूप से 1888 में शुरू हुई थी जब फ्रेडरिक रेनिजर ने गाजर से निकाले गए कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टलाइन नेचर की खोज की। 1972 में पहले एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल को वेस्टिंग हाउस के द्वारा पीट्सबर्ग में प्रोड्यूस किया गया था और 2008 तक एलसीडी टीवी को पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर दिए गए थे और इसके साथ साथ कैथोड रे ट्यूब मॉडल को पूरी तरह से रिप्लेस किए जा रहे थे। दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं बिल्कुल पानी की तरह, जैसे कि पानी अपने स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में टेम्परेचर के अनुसार बदलता है। जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में चारों ओर घूमते हैं तो एक सर्टेन डायरेक्शन में लाइंस बनाने की संभावना होती है जिससे वे लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल को एक मैट्रिक्स में अरेंज किया जाता है जिसमें तीन कलर्स के क्रिस्टल पाए जाते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं, जिन्हें एक पिक्सल के रूप में जाना जाता है। पिक्सल के ग्रुप नंबर्स, लेटर्स या कोई शेप बनाकर रो या कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। एलसीडी डिस्प्ले ज्यादा इफिशियंट एनर्जी के साथ चलता है और सीआरटी की तुलना में काफी सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, एलईडी डिस्प्ले या लाइट इमिटिंग डायोड एक स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो लाइट सोर्स के रूप में एलईडी के पैनल का यूज करती है। आजकल बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सभी छोटे और बड़े स्क्रीन के रूप में यूजर्स और सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के फॉर्म में एलईडी डिस्प्ले को यूज करते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, टीवी, टैबलेट, कंप्यूटर मॉनिटर, लैपटॉप स्क्रीन आदि अपने आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए एलईडी डिस्प्ले को यूज करते हैं। एलईडी डिस्प्ले मेन स्क्रीन डिस्प्ले में से एक है जिसे कमर्शियली यूज किया जाता है। एलईडी डिस्प्ले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एफिशिएंट और लो एनर्जी खपत करती है जो स्पेशली मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड और चार्जेबल डिवाइसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एलईडी डिस्प्ले में कई एलईडी पैनल होते हैं जो कई एलईडी से मिलकर बने होते हैं। एलईडी के लाइट सोर्स के तौर पर बहुत सारे फायदे हैं जो अल्टरनेटिव रूप से यूज किए जा सकते हैं। इसमें एफिशिएंट पावर होने के अलावा यह अधिक से अधिक लाइट इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करता है।
एलईडी डिस्प्ले कुछ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम फ्लोरोसेंट डिस्प्ले से डिफरेंट होता है, जैसे कि कार स्टीरियो, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, और इसलिए इनके बीच कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलईडी डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले के अलावा जनरल इल्यूमिनेशन या सामान्य रोशनी जैसे कि स्टेज लाइटिंग या डेकोरेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। एप्पल, सैमसंग और एलजी जैसे कई बड़े कॉरपोरेशन कंपनीज अब माइक्रो एलईडी डिस्प्ले को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये डिस्प्ले आसानी से स्केलेबल है और प्रोडक्शन प्रोसेस को अधिक वेल स्टेबलाइज बनाने में मदद करते हैं। इसलिए एलईडी डिस्प्ले या एलईडी डिवाइसेस को एक अच्छा लाइट डिस्प्ले सोर्स माना जाता है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड या ओएलईडी एक सॉलिड स्टेट लाइट डिवाइस है जो दो कंडक्टर की मदद से फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसके बीच ऑर्गेनिक थिन फिल्म की एक सीरीज बनी होती है। दूसरे डिस्प्ले मोड की तरह ओएलईडी को बैक लाइटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी लो पावर कंजप्शन और अच्छी ब्राइटनेस की वजह से ओलेड को एलसीडी डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इट सिग्नलिंग के साथ साथ जनरल लाइटिंग के तौर पर बैकलाइट सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी, जिसे ऑर्गेनिक ईएल या ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोमिनसेंट डायोड भी कहा जाता है, जो कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी के रूप में होता है, जहां एमिसेक्टिव इलेक्ट्रोमिनसेंट लेयर ऑर्गेनिक एलिमेंट की एक फिल्म होती है जो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पांस देती है। ऑर्गेनिक लेयर दो इलेक्ट्रोड के बीच में होती है जिसमें कम से कम एक ट्रांसपेरेंट होती है। ओलेड का यूज टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर, पोर्टेबल सिस्टम जैसे स्मार्टफोन, हैंडहेल्ड गेम कंसोल और डिजिटल असिस्टेंट जैसे डिवाइसेस में डिस्प्ले बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एक ओलेड डिस्प्ले बैकलाइट के बिना काम करता है क्योंकि यह विजिबल लाइट को बाहर निकालता है। इसका मतलब यह है कि डीप ब्लैक लेयर्स को डिस्प्ले करता है और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की तुलना में ज्यादा पतला और हल्का होता है, जो एम्बिएंट कंडीशन या किसी डार्क रूम में ओलेड स्क्रीन एलसीडी की तुलना में हाई कंट्रास्ट रेशियो ऑब्टेन कर सकती है, भले ही एलसीडी एक एलईडी बैकलाइट या कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप में यूज करती हो। दोस्तों, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड या एमोलेड एक लाइट एमिटिंग और थिन फिल्म डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसमें इलेक्ट्रोमिनसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक बेस लेयर पर रखा जाता है। यह लेस इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है और इसमें बैकलाइट की जरूरत नहीं होती है। यह पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बैटरी पावर डिवाइसेस और लार्ज डिस्प्ले के रूप में यूज किया जाता है। एमोलेड में एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है जो पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनोड और कैथोड की पूरी लेयर से मिलकर बने होते हैं। ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एरे इमेजेस को एक्टिवेट करके पिक्सल्स को निर्धारित करता है। एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। दूसरे डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज की तुलना में एमोलेड में हाई कंट्रास्ट रेशियो और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये लाइट वेट होने के साथ साथ अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और लो टेम्परेचर को कंटेन करता है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट दूसरी टेक्नोलॉजीज के स्क्रीन से काफी कम होती है और ये एलसीडी की तुलना में बेहतर वाइड रेंज ऑफ कलर्स को डिस्प्ले करता है। एमोलेड को डिस्प्ले डिवाइस टेक्नोलॉजीज के रूप में स्मार्ट वॉच, मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, मीडिया प्लेयर्स और डिजिटल कैमराज में यूज किया जाता है। एमोलेड डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले का ही एक पार्ट है, लेकिन यह ओलेड से कुछ बेहतर डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सुपर एमोलेड एक तरह से एमोलेड डिस्प्ले होता है, लेकिन यह लीडिंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा मार्केटिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग एमोलेड डिस्प्ले को डिनोट करने के लिए किया जाता है जो इंटीग्रेटेड डिजाइनर के साथ आता है, यानी जो लेयर के टच का पता लगाती है उसे डिस्प्ले स्क्रीन पर इंटीग्रेट किया जाता है। सैमसंग कंपनी ने दावा किया था कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले की तुलना में बेहतर सनलाइट की तरह रिफ्लेक्ट करता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले पेंटाइल मैट्रिक्स फैमिली का हिस्सा है। इसे सेमोलेड के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह सुपर एमोलेड एडवांस्ड, सुपर एमोलेड प्लस, एचडी सुपर एमोलेड, एचडी सुपर एमोलेड प्लस और फुल एचडी सुपर एमोलेड को इंक्लूड करता है। दोस्तों, क्वांटम डॉट डिस्प्ले एक डिस्प्ले डिवाइस है जो क्वांटम डॉट्स यानी कि क्यूडी का यूज करता है। यह एक टाइप का एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो नैनो स्केल या सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना नैनो क्रिस्टल है। बेसिकली सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल प्योर मोनोक्रोमेटिक रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट डिस्प्ले कर सकता है। क्वांटम डॉट्स वेवलेंथ में लाइट को बाहर भेजता है जो उनके साइज पर डिपेंड होते हैं। क्वांटम डॉट लाइट के पार्टिकल और वेव फॉर्म को दर्शाता है। बेसिकली क्वांटम डॉट्स एक्सटर्नल लाइट सोर्स की मदद से एक्साइटेड होते हैं।
होता है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर डिस्प्ले की ब्राइटनेस को बढ़ाता है। फोटो एमिसिव क्वांटम डॉट पार्टिकल्स का यूज क्यूडी लेयर में किया जाता है, जो पूरे बेसिक कलर्स को बाहर निकालने के लिए बैकलाइट को कन्वर्ट करता है, जो आरजीबी कलर फिल्टरों में लाइट लॉस और कलर क्रॉस टॉक को कम करके डिस्प्ले की ब्राइटनेस और कलर स्केल को बढ़ाता है। इस टेक्नोलॉजी को एलईडी बैकलाइट एलसीडी में यूज किया जाता है। हालांकि यह दूसरे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे कि व्हाइट ब्लू या यूवी ओएलईडी पर भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी। अब आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।